Dear students, welcome to my English literature class of grade 5th. Students, this is your fourth preparatory assignment. Today, we will revise the chapter Robinson Crusoe Lands on a Deserted Iceland. This is your chapter number 6. And we will revise the question answers, extracts as well as word meaning of this chapter. I have already explained you about this story in the last video. Now, come to the question number first. How was Crusoe carried to the shore? Crusoe was lifted by the waves and carried to the shore. Crusoe कैसे आया समुंदर के पास, समुंदर के किनारे पे? By the waves and carried to the shore. वो जो समुंदर की जो waves थी, बहुत बड़ी बड़ी waves आई थी, उसकी उसके force से वो समुंदर के किनारे पे आ गया. Where did Crusoe sleep on his first night at the island? Why did he choose that place? First night पे जो Crusoe था वो कहाँ पे उसने स्लीप किया और उसने वो पर्टिकुलर प्लेस क्यों चूज की? क्रूसो स्लेप्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री. क्रूसो ने टॉल ट्री की, बहुत बड़ा ट्री था, उसकी ब्रांचेस के ऊपर वो सो गया. बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी. एंड देयर माइट हैव बीन अ वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द आइलैंड. क्योंकि वहां पे फिर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते थे, तो इसीलिए वो ट्री की ब्रांच के ऊपर जाके सो गया. How did Crusoe make the raft? Crusoe ने राफ्ट कैसे बनाई? What did he carry on it? उसने क्या carry किया? Crusoe formed some planks of wood which he tied together with a rope to make the raft. Crusoe ने क्या किया? उसने कुछ उसने tie कर लिया रोप के साथ, कुछ planks लेके आया, कुछ small small pieces of woods लेके आया और उसने tie कर लिया रोप के साथ जो राफ्ट बनाने, राफ्ट को बनाने के लिए. ही कैरिड थ्री बिग चेस्ट ऑन इट दैट ही फिल्ड विद फूड, क्लोथ्स, टूल्स, गन्स, गन पाउडर एंड स्वॉर्ड्स. उसने फूड, क्लोथ्स, टूल्स, गन्स, गन पाउडर एंड स्वॉर्ड्स, उसको भी उसने कैरी कर लिया ये सारी चीजों को. Why did Crusoe make a small tent? Crusoe make a small tent because he needed to keep the goods safely. उसने small tent क्यों बनाया? क्योंकि उसने जो अपनी goods थी, जो उसकी चीजें थी, उसको वो safely रखना चाहता था. What did Crusoe carry in the second raft? जो second raft थी उसमें उसने क्या carry किया? Crusoe carried sails, cables, bedding, ropes, canvas, a hammock, food, ink, paper pens, compass, gold and silver in the second raft. So first raft में उसने क्या carry किया? Food, clothes, tools, guns, gunpowder and swords. Second में उसने क्या carry किया? Sails, cables, bedding, ropes, canvas, a hammock, food, ink, paper pens, compass, gold and silver. So all these things he carried in the second raft. Describe the ideal place that Crusoe found to build his house. The ideal place that Crusoe found to build his house was on the level ground on the side of a hill facing the sea. Crusoe ने एक ऐसी place ढूंढी घर बनाने के लिए जो बिल्कुल ही जो मतलब हिल की साइड पे थी, जिसके सामने एक समुन्दर था. There was a cave nearby, और उसके पास एक cave थी, एक गुफा थी, that he could use as a storeroom. और वो गुफा वो एज अ स्टोर रूम यूज करता था. ए स्ट्रीम ऑफ फ्रेश वाटर फ्रीली फ्लोड नियर बाय, और वहां पे जो पानी था वो फ्लो करता था फ्रीली. नाउ कम टू द एक्सट्रैक्ट. रीड द लाइंस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आई लुक्ड अराउंड एंड थॉट व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट. होम सेड I refer to in the above line. I refers to Robin Crusoe in the above line.
किसको बोले आई किसको रेफर किया गया है रॉबिन क्रूसो को. वेयर इज द स्पीकर राइट नाउ डिस्क्राइब हिज सिचुएशन. स्पीकर कहाँ पे था. स्पीकर वॉज अलोन ऑन अ डेजर्ट आइलैंड. वो आइलैंड में अलोन था. ही हैड नो फूड और क्लोथिंग टू चेंज इन टू एंड ही वॉज थ्रोली वेट. वो उसके पास ना तो कोई फूड था ना क्लोथ था चेंज करने के लिए और वो बिल्कुल ही गीला हुआ पड़ा था वेट था. व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्रूसो वॉन्डर्ड वेयर ही शुड स्पेंड द नाइट एंड ही फाउंड अ सुटेबली टॉल ट्री टू स्लीप. तो क्रूसो वॉन्डर कर रहा था कि वो नाइट को कहाँ पे स्पेंड करेगा. फिर उसने क्या फाइंड किया एक बड़ा सारा ट्री जहाँ पे वो जाके सो गया. सो Now come to the next extract. So I took these animals along. Name the animals that Crusoe took along. कौन से animals थे जो Crusoe ने अपने साथ रखे. Crusoe took a dog and a parrot along. Dog और parrot थे. Where did Crusoe find these animals? Crusoe found the animals on board ship. Crusoe ने कहाँ पे animals find किए. शिप पे. व्हाई डिड ही नीड दीज एनिमल्स. क्रूसो को ये एनिमल्स क्यों नीड थे. क्रूसो नीडेड दीज एनिमल्स टू कीप हिम कंपनी ताकि उसको कंपनी मिले. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. व्हेन डिड क्रूसो स्विम टुवर्ड्स द शिप. व्हेन द टाइड वाज लो ही स्विम टुवर्ड्स द शिप. जब जो वेव्स थी समुद्र की लहरें थी वो थोड़ी कम हो गई उनकी स्पीड कम होगी फिर उसने शिप की तरफ स्विम करना स्टार्ट किया. व्हाट डिड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट डिड क्रूसो डू विद द प्लैंक्स. क्रूसो हैज टाइड प्लैंक्स टुगेदर विद अ रोप एंड मेड अ राफ्ट. हाउ मेनी ट्रिप्स डिड क्रूसो मेक्स. ही हैज मेड 11 ट्रिप्स इन ऑल एंड ईच टाइम. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग्स. डेजर्टेड विदाउट एनी पीपल. सप्लाइज to give or provide something. Wrecked, destroyed. Comrades, friends. Took hold of, held firmly. Planks, long pieces of flat board. Raft, a small flat boat made of wood. Chests, large, heavy boxes for storing things. Cargo, goods carried on a ship. Receded, moved back from high level. Rescued, saved. Hammock, bed made of net and hung between two points. So students, this is all about the chapter. We have revised all the chapters for the second terminal examination. Two poems as well as lesson number 5 and lesson number 6. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.